आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। तो काफी सारे इवेंट्स है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, तो आपको ध्यान से देखना है। काफी सारे स्पोर्ट्स के इवेंट्स है इसके अंदर, तो वो भी जरा अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे फर्स्ट आता है ऑगस्ट 1, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है वर्ल्ड फिनटेक डे। अब वर्ल्ड फिनटेक डे, दैट इज फिन इज द फाइनेंस और टेक इज द टेक्नोलॉजी। तो अभी आजकल जो सारी चीजें हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन पेमेंट, सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है, तो इसके लिए वर्ल्ड फिनटेक डे ऑब्जर्व किया जाता है, विच इज ऑन द 1st August। और आज टेक्नोलॉजी ने कितनी चीजें इजी कर दी हमारे लिए फॉर द ट्रांसफर ऑफ मनी एवरीथिंग, तो उसके लिए ये पर्टिकुलर डे ऑब्जर्व किया जाता है। सेकेंड आता है वर्ल्ड लंग कैंसर डे। अगेन ये भी 1st August को ही ऑब्जर्व किया जाता है, अगेन विद एन इंटेंशन टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द कॉजेस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द लंग कैंसर। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट इज मुस्लिम वुमेन राइट्स डे। अगेन 1st August को ही ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि पहले ऐसा बहुत ज्यादा होता था, आज भी कुछ एरियाज में ऐसा हो रहा है कि फीमेल को ज्यादा बेनिफिट्स नहीं दिया जाता, उसके ज्यादा राइट्स उनको एक्सरसाइज करने नहीं दिए जाते इन मुस्लिम कम्युनिटी। नो डाउट ये तो हर कम्युनिटी में हो रहा है, बट ये पर्टिकुलर डे उनके लिए ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट 2nd August, जिसमें आता है सबसे पहले अर्थ ओवरशूट डे, जो 2nd August को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड ह्यूमंस आर करेंटली यूजिंग 75% और मोर देन व्हाट अ प्लैनेट कैन जनरेट। तो जो नेचुरली चीजें ग्रो हो रही है ना, वो ह्यूमन बींग बहुत ज्यादा यूज कर रहा है। ह्यूमन बींग जो भी यूज कर रहा है, वो 75% उसको नेचर से मिल रहा है। तो सोचो अगर आज नेचर का ही तुम ध्यान नहीं रखोगे तो कितना नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, इसके लिए पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्टुअर्ट ब्रॉड रिटायरमेंट। तो स्टुअर्ट ब्रॉड जो एक इंग्लैंड के फास्ट बॉलर थे, है, उन्होंने अपना डिक्लेयर किया है रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट। इंडियंस को इस पर्सन को याद रखने का सिंपल तरीका, युवराज सिंह ने जिसके एक ओवर में 6 सिक्स मारा था, ये वो है, ठीक है। नेक्स्ट 3 August, GI टैग फॉर गोवा। सो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, अब एक गोवा का एक जो पर्टिकुलर मैंगो है उसको GI टैग मिला है, और उसके साथ साथ और 6 अलग अलग प्रोडक्ट को भी GI टैग मिला है, जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में ग्रो हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आता है 4 August, विवाद से विश्वास 2। एक स्कीम है जहां पे गवर्नमेंट ने ये स्कीम को लॉन्च किया है, जहां पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड डिस्प्यूट्स है इसको सॉल्व करने के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम को ऑब्जर्व किया जाता है। ये पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया गया है बाय गवर्नमेंट। नेक्स्ट आता है 5 August, जिसमें आता है सबसे पहले फॉर्च्यून ग्लोबल 500, जिसके अंदर सबसे पहले अगर देखिए हम लोग तो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट ऑफ 2023 रिलीज फॉर द टॉप कॉर्पोरेशन। तो वर्ल्ड की बेस्ट 500 कंपनीज का ये लिस्ट निकलता है, जिसका नाम रखा जाता है फॉर्च्यून ग्लोबल 500, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट रैंक है वॉलमार्ट और सेकंड है अरामको। नेक्स्ट आता है 6 August, जिसमें आता है हिरोशिमा डे, जो 6 August को ऑब्जर्व किया जाता है, एंड ऑब्जर्व टू रिमेंबर द विक्टिम्स ऑफ द हिरोशिमा अटैक, जो न्यूक्लियर अटैक हुआ था उसके लिए पर्टिकुलर डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट वर्ल्ड राइज प्राइस इंडेक्स। सो वर्ल्ड राइज प्राइस इंडेक्स जंप्स टू नियर 12 इयर्स हाई इन जुलाई 2023। उसका वन ऑफ द रीजन, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि इंडिया ने, है ना, राइस के ऊपर जो इंडिया एक्सपोर्ट करता था उसको बैन कर दिया है, और काफी सारी कंट्रीज को उसकी वजह से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, और ये बैन की वजह से जो उसका प्राइस है वो बहुत ज्यादा हाइक हो गया, और वो इतना हाइक हो गया कि लास्ट 12 साल में इतना राइस का प्राइस कभी नहीं हुआ था। नेक्स्ट 7 August, जिसमें आता है नेशनल जेवलिन डे। सो 7 August को ये ऑब्जर्व किया जाता है, ये वही डे है जिस दिन नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रो में इन टोक्यो ओलंपिक 2020, ठीक है, इसके लिए पर्टिकुलर डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आता है एलेक्स हेल्स रिटायरमेंट। सो इंग्लैंड क्रिकेटर एलेक्स हेल्स डिक्लेयर्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट, बट ही विल कंटिन्यू टू प्ले डोमेस्टिक एंड द फ्रेंचाइजी क्रिकेट। नेक्स्ट आता है 8 August, अमृत भारत स्टेशन। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। पीएम लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ 508 रेलवे स्टेशंस अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम, ठीक है। तो 508 स्टेशन को टारगेट किया गया है, उसको पूरा नया बनाया जाएगा, पूरा रिनोवेट किया जाएगा, पूरा स्ट्रक्चरल चेंजेस उनका कर दिया जाएगा अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम।
नेक्स्ट देखते हैं 9 अगस्त, जिसमें आता है नागासाकी डे। अगेन विक्टिम्स जो थे, जिनकी डेथ हो गई, उनको याद करने के लिए पर्टिकुलर डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आता है WTSR रिपोर्ट 2023। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जो रिपोर्ट रिलीज किया है उसके हिसाब से इंडिया सिक्योर्ड 18th रैंक एज पर वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू 23 अमंग द लीडिंग एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। तो कौन सी कंट्री है जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है, तो इंडिया का रैंक उसमें 18th आता है और ये रिपोर्ट रिलीज किया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट आता है 10 अगस्त, जिसमें आता है वर्ल्ड लायन डे, जो 10 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड ऑब्जर्व टू रेज अवेयरनेस अबाउट द लायंस एंड थ्रेट्स फेस्ड बाय द लायंस, ठीक है, उसके लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आता है वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 23। सो इंडिया होस्टेड एशियन वेट लिफ्टिंग जूनियर एंड यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023, जिसके अंदर इंडिया ने टोटल 42 मेडल्स जीते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगस्त 11, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है पेटेंट फॉर इंडियन आर्मी। सो इंडियन आर्मी ने एक एआई ड्राइवन एक्सीडेंट प्रिवेंशन सिस्टम डेवलप किया है, जो रोड सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और ये एक इनोवेशन है जो इंडियन आर्मी ने किया है। तो अब इंडियन आर्मी के नाम पे भी एक पेटेंट रजिस्टर हो चुका है। नेक्स्ट अगस्त 12, जिसमें आता है इंटरनेशनल यूथ डे, जिसमें आता है कि भाई इस दिन को ऑब्जर्व क्यों किया जाता है। सो ऑब्वियसली एक जो बोलते हैं ना, यूथ एक ऐसे लोग है, ये एक ऐसा ग्रुप है जो कंट्री को बहुत आगे लेके जाने की इनके अंदर कैपेबिलिटीज होती है और कितने यंगस्टर्स ने इंडिया को कितना अच्छा ग्रोथ दिलाया है, इंडिया का इंटरनेशनल लेवल पे नाम या इंडिया को फेम दिलाया है। सो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, बट आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया। ओके, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड एलिफेंट डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है 12 अगस्त को। And observe to increase awareness of the preservation and the protections of the elephants. Next आता है 13th August, Organ Donation Day. So Organ Donation Day is observed on the 13th August. और ये particular day को observe करने का main reason है कि भाई organ को donate करने से कितने लोगों की life बच सकती है, कितने लोगों का life आप better बना सकते हो by donating your organs. नेक्स्ट आता है न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई लाइफ। सो एसबीआई लाइफ अपॉइंटेड अमित जिंगरन एज एमडी एंड सीईओ ऑफ द कंपनी और ये अपॉइंटमेंट अप्रूवल हुआ है बाय एआईआरडीआईए, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है अगस्त 14, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023। सो इंडियन मेन्स हॉकी टीम वॉन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 by defeating Malaysia in the final match. और पूरा जो ये इवेंट हुआ था वो इंडिया ने होस्ट किया था। Next August 15 Independence Day, ये इंडिया का 77th Independence Day था और इस पर्टिकुलर डे पे इस साल थीम रखा था Nation First Always First. Next आता है 16th August, जिसमें आता है थर्ड पिंक स्टेशन ऑफ महाराष्ट्र। So, New Amravati Station becomes the third pink station of the Maharashtra within Central Railway Zone. तो ये third pink station है अभी। Next 17th August, जिसमें सबसे first आता है New Logo of Air India. So, Air India ने अपना नया logo design किया जिसका नाम रखा है The Vista. बराबर, और ये जो है ये logo बनाने का one of the reason ये है कि पूरा जो Air India है उसके एक rebranding करेंगे एक new face के साथ, अब ये market में वापस आएंगे। ऑलरेडी मार्केट में है बट एक न्यू फेस के साथ अब ये लोग वापस सब कुछ चेंज करके एक अच्छे कॉम्पिटेटिव वे से काम करेंगे। नेक्स्ट 18th अगस्त, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है रिटायरमेंट ऑफ वहाब रियाज। सो जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर है वहाब रियाज, उन्होंने अपना रिटायरमेंट डिक्लेयर किया है फ्रॉम ऑल द फॉर्मेट्स ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट। नेक्स्ट देखते हैं फ्री IVF सर्विस। सो गोवा बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड IVF फ्री एट ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ये एक मेथड है जहाँ पे जो पेरेंट्स हैं जो कंसीव नहीं कर पा रहे, जो कपल्स हैं जो कंसीव नहीं कर पा रहे, उनके लिए एक प्लानिंग है, एक प्रॉपर मेथड है जिसके थ्रू वो लोग अपनी फैमिली प्लानिंग के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। तो गोवा अब वो फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। नेक्स्ट आता है 19th अगस्त, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। सो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे इज ऑब्जर्व ऑन 19th अगस्त। ये भी एक पर्टिकुलर आर्ट है, क्रिएटिविटी है। आपने देखा होगा कितने लोग कितने अच्छे फोटोग्राफ्स
क्लिक करते हैं, नॉट थ्रू मोबाइल, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट कैमराज एंड प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स जो लोग होते हैं, उस सब के अंदर आर्ट और टैलेंट नहीं आ सकता है. नेक्स्ट, न्यू रूल ऑफ ASCII, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल. ठीक है, सो द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, उन्होंने अब एक रूल बनाया है कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जो हम लोग बोलते हैं ना इन्फ्लुएंसर्स हैं, उसमें एक वर्ड है फिनफ्लुएंसर. फिनफ्लुएंसर मतलब जो फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं यूट्यूब चैनल के थ्रू अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर को, कि भाई ये खरीदो, ये बेचो, ऐसा करो, ये करो. बट अब उन्होंने क्या बोला कि जो भी पर्सन फिनफ्लुएंसर या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे रहा है, उसको पहले सेबी से और IRDAI से लाइसेंस लेना पड़ेगा. विदाउट दैट वो लोग ये सर्विस और ये एडवाइस नहीं दे सकते. बिकॉज काफी लोग ऐसा करते हैं कि भाई किसी कंपनी से पैसा लेके फेक एडवाइस देते हैं, खुद तो पैसा कमा लेते हैं लेकिन इन्वेस्टर का पैसा डुबा देते हैं. नेक्स्ट, 20th August, इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन बस. सो इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन बस स्टार्टेड ऑन द पब्लिक रोड्स. द फर्स्ट हाइड्रोजन बस अराइव्ड इन लद्दाख. ठीक है, फर्स्ट वहां पे ये स्टार्ट हुआ है. नेक्स्ट, August 21, जिसमें आता है वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है 21st August को. एंड मेन इंटेंशन है भाई ये चीज को ऑब्जर्व करने का कि जो एल्डर पीपल है, जो एजेड पीपल है, उनका सोसाइटी में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्या एफर्ट है, कितनी सारी चीजें वो लोग अच्छे से हैंडल कर लेते हैं लेकिन एक यंगस्टर, एक यंग पर्सन शायद हैंडल नहीं कर पाता है. ठीक है, उनका एडवाइस कितना काम का होता है. नेक्स्ट आता है फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 23. सो स्पेन डिफिटेड इंग्लैंड इन द फाइनल मैच ऑफ द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप, और ये इवेंट पूरा होस्ट किया था बाय ऑस्ट्रेलिया ने. नेक्स्ट, 22nd August, जिसमें आता है ल्यूना 25. सो रशिया लॉन्च देयर मून मिशन ल्यूना 25. ये मिशन 47 ईयर्स बाद लॉन्च हुआ था, बट ये मिशन फेल हो गया. मतलब जब ल्यूना 25 मून पे पहुंचा था तो वो क्रैश हो गया था. नेक्स्ट, August 23, जिसमें आता है BPCL न्यू एम्बेसडर. सो BPCL, दैट इज भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अपॉइंटेड राहुल द्रविड एज अ न्यू ब्रांड एम्बेसडर. नेक्स्ट, August 24, जिसमें आता है ICC एंड मास्टर कार्ड. सो ICC, दैट इज द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, एंड द मास्टर कार्ड साइन अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर द मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, जो अभी स्टार्ट हुआ है. नेक्स्ट, August 25, जिसमें सबसे फर्स्ट आ रहा है इलेक्शन कमीशन. सो सचिन तेंदुलकर अपॉइंटेड एज ए नेशनल आइकॉन फॉर द वोटर्स अवेयरनेस एंड एजुकेशन फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. तो अभी जो वोट करने का इंपॉर्टेंस और वो जो कैंपेन्स होते हैं उसको सचिन तेंदुलकर प्रमोट करेंगे. नेक्स्ट, न्यू अपॉइंटमेंट इन NGT, दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. सो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव अपॉइंटेड एज ए न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. चलो नेक्स्ट देखते हैं, 26th August, 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स. बराबर, अब ये जो अवार्ड है ये डिक्लेयर किया है ज्यूरी पैनल ने, और इसका पूरा इवेंट कंडक्ट किया गया था एट न्यू दिल्ली. इसके ऊपर मैं ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, उसका रीजन है कि यूट्यूब चैनल पे, हमारी यूट्यूब चैनल पे इसका डिटेल में आपको वीडियो मिलेगा, तो आप वो वीडियो अच्छे से देख लेना. उसमें मैंने पूरा 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स कवर किया हुआ है. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. इंफोसिस ब्रांड एम्बेसडर. सो राफेल नाडेल इज अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर द इंफोसिस फॉर द नेक्स्ट 3 years. ओके, तो एक न्यू अपॉइंटमेंट ब्रांड एम्बेसडर की पोस्ट पे हुआ है. नेक्स्ट आता है 27th August, वर्ल्ड चेस कप 2023. ये तो हम सबको पता है, मैग्नस कार्लसेन वॉन द टाइटल, वर्ल्ड कप टाइटल इन द चेस बाय डिफिटिंग आर प्रगनंदन दा. ठीक है, 2023 का जो ये फाइनल होता सब लोगों ने बहुत ध्यान से देखा था, और इंडिया फाइनल में आके यहाँ पे हार गया था. नेक्स्ट, August 28, जिसमें आता है इंडियाज फर्स्ट AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल. सो इंडियाज फर्स्ट AI स्कूल लॉन्च्ड एट केरला एंड लॉन्च्ड बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद. नेक्स्ट, 29th August, नेशनल स्पोर्ट्स डे. So National Sports Day is observed on the 29th August. It is observed to mark the birth anniversary of Major Dhyan Chand. इनके birth anniversary के recognition के लिए National Sports Day observe किया जाता है. Next,
गोल्ड मेडल फॉर नीरज चोपड़ा. सो नीरज चोपड़ा वॉन गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 और ये इवेंट हुआ था हंगेरी में. नेक्स्ट आता है 30th अगस्त, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है 30th अगस्त को इन ऑब्जर्व टू सेलिब्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडियाज ग्रोथ. इंडिया में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज कितनी है, आज इंडिया का जितना भी जीडीपी जो है उसमें काफी हद तक काफी अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन स्मॉल इंडस्ट्रीज का भी है. नेक्स्ट एथनॉल रन कार. सो नितिन गडकरी लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट BS6 स्टेज 2 इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, जो टोयोटा इनोवा कार है. ठीक है, तो अब ये एथनॉल पे भी गाड़ी अभी धीरे धीरे रिलीज हो जाएगा इंडिया में. नेक्स्ट आता है 31st अगस्त, स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2022. सो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स लॉन्च स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2022. अब सिटी वाइज देखूंगा मैं तो फर्स्ट रैंक आता है इंदौर सिटी वाइज, और स्टेट वाइज देखूंगा तो फर्स्ट रैंक है MP. नेक्स्ट आता है गीतिका श्रीवास्तवा. सो गीतिका श्रीवास्तवा अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमन चार्ज एट हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन इस्लामाबाद. तो ये एक न्यू अपॉइंटमेंट हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स कवर किए हैं. ऑब्वियसली करंट अफेयर्स से तो यार इससे तो बहुत ज्यादा इवेंट्स हुए हैं, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, तो आप ये बहुत अच्छे से करके जाना. ठीक है, चलो तो इसी के साथ ये वीडियो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं. थैंक यू वेरी मच.